बागेश्वर जिले में गरुड़ क्षेत्र के गोलू मार्केट और बैजनाथ के पास सड़क पर बने गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। वहीं कई बार विभाग को बताने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, जिसके चलते दुपहिया वाहन चालक कई बार चोटिल भी हो गए। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द गड्ढों को भरने की मांग की। बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षता में 6 युवाओं ने रक्तदान कर 2 मरीजों की जान बचाई। बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती पूजा देवी और गोकुल कुमार को बी पॉजिटिव रक्त की जरूरत थी, जिसको लेकर डोनर्स ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आलोक पांडे से पीड़ित मरीजों की मदद की अपील की थी। वहीं रक्त मिलने पर मरीजों के परिजनों ने रक्तदाताओं और रेड क्रॉस सोसाइटी का आभार जताया। वहीं इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला सचिव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर और कई तरीकों से लोगों से रक्तदान करने की अपील की। जिनको की बोन फ्रैक्चर हो गया था, उनका ऑपरेशन होना था, उनको 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। साथ ही एक पूजा मरीज है, जिनको की पहले भी भारतीय रेड क्रॉस समिति ने वी पॉजिटिव रक्त उपलब्ध करवाया था, आज उनको पुनः वी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। तो उनके लिए हमारे जो स्वयंसेवी हैं विभिन्न संगठनों के, उन्होंने सहयोग किया है। साथ ही ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड की भी वहाँ आवश्यकता थी, तो हमारे 2 स्वयंसेवी जो हैं उन्होंने ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ब्लड डोनेट किया है। बागेश्वर जिले का गिरिछीना मोटर मार्ग प्रशासन की अनदेखी के चलते गड्ढों में बदल गया। वहीं सड़क में जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में सड़क की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक होती है, लेकिन सड़क पर पैराफिट और स्टील गार्डर आज तक नहीं लगाए गए, जिस कारण कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने से वाहन चालकों को भी परेशानी होती है, जिसके लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही लोगों ने जिलाधिकारी से सड़क का निरीक्षण कर हादसे को न्योता दे रही जगहों पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है। बागेश्वर में गरुड़ नगर पंचायत के अस्तित्व में आने की नगर पंचायत की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डीके जोशी ने कहा कि लगातार स्थानीय लोगों में नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता की नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डीके जोशी ने कहा कि गरुड़ नगर पंचायत में ईओ की नियुक्ति हो गई है, इसके बारे में जब कई बार फोन कॉल के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए तो अधिशासी अभियंता का फोन बंद आया या फिर उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। वहीं जब उप जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से मना किया। इस दौरान पता चला कि बीते 10 जनवरी को अधिशासी अभियंता भूपेंद्र जोशी ने योगदान दिया था, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं लिया, जिससे गरुड़ नगर पंचायत के लोगों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नगर पंचायत गरुड़ में गठन के बाद अभी तक वहां पर कार्यालय नियमित नहीं हो पाया है, ऐसी शिकायतें आम हो रही हैं। और ईओ जो है न तो वहाँ ऑफिस में लोग संपर्क जब करते हैं तो मिल पाते हैं, और न ही वह कोई कांटेक्ट करने पर फ़ोन नंबर पर अगर लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो नहीं उठा रहे हैं। और मैंने भी ट्राई किया था 3 बार, बल्कि कल मैंने 3 बार किया था, 2 बार आज किया, लेकिन उनका जो नंबर है ईओ साहब का वह नहीं उठा है। तो ये रवैया एक पब्लिक ऑफिसर का यदि है तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। गठन हो गया था नगर पंचायत में, थोड़ा निशान के लिए भूमिका चयन कर रहे हैं। भूमिका चयन भैया जिस गांव में आप जाओगे गांव वाले तो विरोध करेंगे। ये ऐसा है कि जहां पूर्व निर्धारित जिला पंचायत की जमीन जैसे खटिया और इन जगहों में चयनित सूची, उसको विचार किया जाए, प्रत्येक गाँव वाला तो विरोध करेगा। एक नए गाँव को तो अपना बलिदान देना ही होगा, फिर जमीन देनी होगी तब पूरे का निस्तारण होगा। तो नहीं, पूर्व में जो ग्राम पंचायत में जमीन चयनित की गई है वहाँ पर तुरंत सर्वेक्षण करके वहाँ पर कूड़ादान बनाया जाए, जो कूड़ा का स्थायी समाधान हो। नदी में फैलने से कूड़े का कोई स्थायी समाधान नहीं है, पूरा नदी में न जाया करके इसीलिए नगर पंचायत का गठन भी किया गया। बागेश्वर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के जरिए तमिलनाडु सरकार को लावण्या मामले में न्याय के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लावण्या को न्याय दिया जाना चाहिए और साथ ही तमिलनाडु सरकार को मिशनरी स्कूल्स में जबरन धर्म परिवर्तन के खतरे से निपटने की जरूरत है। इस तरीके से एक लावण्या नाम की छात्रा जो की
अभी मिशनरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, उसमें जो है छात्रावास जो छात्र जो एक छात्रावास में पढ़ती थी, वो उसने जो है उसको धर्म के विरुद्ध उसके धर्मांतरण को लेकर उसको एक टॉर्चर किया गया। उसको जो छात्रावास की वार्डन थी उसने उसको कई तरह के प्रताड़ित किया गया। तो उसको एक ज़बरदस्ती उसको ये किया गया कि तुम अपना धर्म चेंज करो, इस तरह से लेकर उसने जब पूरी घटना जब इस धर्मांतरण की पूरी घटना हुई है जबरन, तो उसके बाद जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए कई माध्यमों से मुहिम चलाई और कई ज्ञापन तमिलनाडु सरकार को भेजे और CBI जांच की मांग की, तो CBI जांच में यह पाया गया कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और वहाँ की सरकार है वो लगातार इसमें असंवेदनहीन रुख अपनाते हुए CBI जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। तो इसके बाद जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी और साथ में उनके जो 35 ऐसे तमिलनाडु के कार्यकर्ता बंधु थे, जब वो मुख्यमंत्री आवास का उन्होंने पहली बार तमिलनाडु के इतिहास में यह हुआ है कि किसी भी ऐसे संगठन ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया तो उन्हें एक असंवेदनहीन रुख अपनाते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो कतई एक शर्मनाक घटना है।